छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले नया रायपुर में आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल में पहुंचकर भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक एवं पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों के मांग का समर्थन करते हुए उनकी आवाज बुलंद की। विजय बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के बीच की अंतरकलह का भुगतान स्वास्थ्य कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपना वादा निभाकर मांग पूरी नहीं कर सकते तो पंचायत विभाग की तरह आप स्वास्थ्य विभाग से भी इस्तीफा दे दें। विभाग अपने संकल्पों को पूरा करने, अपने अधिकार की लड़ाई में आज आप डटे हुए हैं, वो अधिकार आपको मिले और आपकी मांगे पूरी हो। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और फिर से एक बार भगवान आपको ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे और आप अपने अधिकारियों की लड़ाई में जीत हासिल करें। स्वास्थ्य मंत्री के बार बार रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि मैंने सुना जो आप कई बार कहते हैं, वही मेरी कुछ गलती नहीं है, वो फिर मुझे सुनता नहीं है। तो भैया स्वास्थ्य मंत्री के बात हो ना, तो स्वास्थ्य मंत्री जो आते आपने कही है उसी को तो आप मान रहे हैं। आपने कहा है और आप ये बोलते हैं इतना बड़ा समर्थन प्राप्त किए, तो मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ से अध्यक्ष जन्माष्टमी के लिए। मेरे को जो सभी लोग गए जैसे सुनाने तो मैं ये निवेदन किया, मैं आऊंगा लेकिन हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग यह अनशन समाप्त कर दीजिए। इसके ऊपर विश्वास करके बैठे आप जो कार्रवाई ना कर रहे, जो झूठा साबित हो चुका है और जिनके ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी भरोसा हो गया है, वो टी सेंटर का है, मुकेश है तो भरोसा है, इनकी जो मेहरबानी फैसला थी वो सारे टी सेंटर को जलवा दी, नहीं चलेगा भरोसा भरोसा है। मैं निवेदन कर रहा हूं आप जो विश्वास के हर जगह आपके लिए विश्वास मत करें और यहां अधिकार का समय बर्बाद करना आप गठबंधन की बात करिए। मैं जो विश्वास विचार करने जा रहा हूं यही भरोसा की बात है, जो सबसे अच्छा हो सकता था पहले तो मेरा आप और अपने अधिकारों की लड़ाई के प्रयत्न है, अगर आप हमको अधिकार देंगे हम आपके लिए कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जनता के लिए है वो लोग आज भी आपको देख रहे, इसलिए उनकी सेवा के लिए आपको वापस दीजिए, अपनी सेवा का बहुत सोचिए। लेकिन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष होने के नाते, संयोजक होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि जो अच्छा से अच्छा हो सके हम आपको ले जाइए। केंद्रीय मंत्री जी से बात की थी मनसुख मांडविया जी से, वो बोले जितना अच्छा हो सके काम करेंगे, हम जनता को प्रसार देंगे, जनता की सेवा को प्रसार देंगे। ये बात वैसे से एक बात सभी यहां पर बैठे कैया जी को, राजन जी को, बहनों को, आप सभी के लीडर है और आप सब मेरे परिवार के कहीं कहीं से हमारा हिस्सा जुड़ा हुआ है। व्यवस्था बनती है जनता, अधिकारी कर्मचारी और हम लोग जब
किसानों का बिना इतना जब सहयोग बनता है तभी अच्छी सरकार चलती है, अच्छी व्यवस्था चलती है। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। यदि आप सतर्क है मैं अपनी तरफ से निवेदन कर रहा हूं। इसके लिए आप समय बता सकते हैं और जो भी निलंबित हुए हैं तो यथावत यूपी माइंडिंग इंडेक्स साथ में शुरुआत करेंगे। आप सबसे वादा करता हूं और आप सब को फिर से एक बार इस मोर्चा की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके संघर्ष के इन दिनों को मैं हमेशा अपने दिन में बताया हूं। जब भी ऐसा वक्त आया तो हमसे जो वक्त पड़ेगा हम आपसे करेंगे। इसके बाद घोषणा पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बार में गुजरात से आया और आज के प्रदेश में भारतीय कॉलेजों की आप उतने लेकर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर बहनों की जरूरी पीढ़ी जो आप जारी रहती है, घर के माता पिता की, घर के साथ के छोटी पति की, बच्चे की, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से आम सब मुक्त होकर अपने अधिकार की लड़ाई में लगे हैं। तो आपको अपने अधिकार मिले और निश्चित रूप से मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अधिकार है और जितना संभव हो सकेगा